बोकारो दिनभर में आज चोरी की गई बेलेरो गाड़ी का सरगना बिहार से गिरफ्तार, देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिनभर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में चीराचास के पांडे पुल के गर्गा नदी में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, इसकी भी करेंगे चर्चा। फुटबॉल खेल रहे एक युवक के ऊपर आसमानी बिजली गिरा। बोकारो के चास में दिनों दिन बंदरों का आतंक से भयभीत और परेशान लोग, इसकी भी बात करेंगे। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। नासा ने सोमवार को अपने आर्टिमिस मिशन के पहले चंद्रयान की टेस्ट फ्लाइट को तकनीकी खामियों के चलते आखिर समय पर टाला। झारखंड के दुमका में 19 साल की अंकिता को जिंदा जलाने के मामले पर राज्यपाल रमेश व्यास ने राज्य की कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को बिहार के कुर्नी से राजद विधायक और राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल कुमार साहनी एवं दो अन्य को एलटीसी घोटाले में दोषी ठहराया है। सजा का ऐलान 31 अगस्त को। रिलायंस जियो की इस साल दिवाली तक 5G सर्विस शुरू करेगा। दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G सर्विस देने का ऐलान। सोने की कीमत 150 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी की कीमत 800 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 861 अंक और निफ्टी 246 अंक गिरकर हुई बंद। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। दुमका में सरफिरे द्वारा जलाई गई 19 साल की अंकिता के परिजनों को राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ पूरे मामले को फास्ट ट्रैक से निष्पादन करने का निर्देश दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में अफ्रीकन स्वाइन फीवर या ASF से 800 से ज्यादा सुअरों की मौत की खबर, प्रशासन चौकस। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में बारिश, 2 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के बालीडीह पुलिस ने चोरी की गई एक ग्रे कलर की बेलेरो के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजीव कुमार है, जो बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है। अप्रैल माह में बालीडीह थाना क्षेत्र के रहने वाली रीता देवी अपनी बेलेरो चोरी की संबंध में बालीडीह थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा SIT टीम गठित कर चोरों की धरपकड़ की गई। छापेमारी के दौरान जरीडी थाना के एक कांड में बिहार से कुछ अपराधी की गिरफ्तारी की गई। घटना का खुलासा सोमवार को बोकारो मुख्यालय DSP मुकेश कुमार ने बताया। की रहने वाली आवेदिका रीता देवी के द्वारा अप्रैल माह में आवेदन दिया गया था कि उनका बोलड़ो उनके घर के बाहर से चोरी हो गया है। इसी के आलोक में SP सर के द्वारा टीम गठित किया गया था, साथ ही अन्य थाना क्षेत्र में भी चोरी की जो घटनाएं घट रही थी उसके लिए भी SP सर के द्वारा टीम गठित किया गया, जिसके आलोक में जरीडी थाना का और बालीडीह थाने में सहयोग करके बिहार से कुछ महीने पूर्व 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और एक स्कॉर्पियो वहाँ से बरामद किया था। उसी आलोक में जो बालीडीह की टीम अभी हाल फिलहाल में बिहार जाकर छापेमारी की है, जिसके आलोक में हम लोग का जो चोरी गए बोलेरो बरामद किया गया है और जो इसको खरीदा था वो रिसीवर उसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त है वो राजीव कुमार है, जो छतबाड़ा थाना महुआ जिला वैशाली का रहने वाला है। इसके पास से जो चोरी गई हम लोग की बोलेरो है बरामद किया गया है, जिसको लाया गया है, हम लोग गिरफ्तार के इसको जेल भेजे। अब ये लोग का एक अपना जो गैंग है ये अपना देखते हैं, रात में वॉच करते हैं, रेकी करते हैं कि जो गाड़ी खड़ा है उसको एक अपना ये मास्टर की से खोल लेते हैं बोलेरो और जो स्कॉर्पियो है, और इनके पास एक अपना एक सिस्टम है जो एक कह लीजिए सॉफ्टवेयर टाइप का, जो स्कॉर्पियो को भी खोल सकते हैं और खोल करके उसके बाद उसको आराम से लेकर बिहार तरफ निकल जाते हैं और फिर वहाँ इंजन नंबर चेसिस नंबर बदल करके इसमें अपना उसको यूज़ करते हैं। रविवार शाम चीराचास के पांडे पुल के गर्गा नदी में एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस अब इस शव की पहचान कर आगे की कार्रवाई करने के लिए बात कर रही है।
इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने सेक्टर 6 थाना पुलिस को एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गए। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर थाने चले गई। वहाँ थाना पर गए थे तीन लड़का, तो बोल रहा है कि नदी में कौन आदमी डूबल है, लाश है, अभी वहाँ देख लीजिए, मैंने निकाल लीजिए। कितना उम्र हो रहा होगा बॉडी का? तो इतना नहीं मैंने पता है। बोकारो के गोमिया हजारी मोड़ स्थित मैदान में फुटबॉल खेल रहे एक युवक के ऊपर आसमानी बिजली गिरा। परिवारजनों ने युवक को लेकर स्वांग स्थित एक निजी अस्पताल पहुंच गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक युवक के पिता ने इलाज शुरू करने के लापरवाही तथा देरी करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के ऊपर हल्ला हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हालांकि बाद में गोमिया पुलिस अस्पताल पहुंच कर हंगामे को शांत किया। डॉक्टर आगा लेगी करने लगेगा, डॉक्टर साहब ने मेरा बेटा चेक करने के लिए बोले जितना पैसा उसको चाहिए हम देंगे, लेकिन एक भी बार नहीं चेक कर किया। डॉक्टर साहब अपना बिल्डिंग में घुस ले रहा है लेकिन निकला नहीं। डॉक्टर साहब एक भी चेक नहीं किया है और पैसा की बात खाली करता है। पैसा हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक करे वो कितना पैसा चाहिए से हम पैसा देंगे, खेत बेच देंगे, जमीन अपना घर बेच देंगे, लेकिन देंगे पैसा। बोलो डॉक्टर साहब को अब अभी देंगे पैसा। क्या हुआ था बेटा को, क्या हुआ? बाजार गिर गया है, आसमानी ठीक गिर गया बाजार। मेरा बेटा को बचा लीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, बचा लीजिए। बोकारो के चास में इन दिनों बंदरों के आतंक से लोग भयभीत और परेशान हैं। खासकर चास के तारानगर कॉलोनी, प्रभात कॉलोनी में शाम ढलते ही यहाँ लोग अपने अपने घरों में दुपक जाते हैं और खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। रोज कोई न कोई इन बंदरों के शिकार होता चला जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार 5 से 7 लोगों पर अब तक बंदर ने हमला कर दिया है। पीछे से हमला किया है, ठीक, और आगे से जैसे कि पीछे से हमला किया, एक बार सर यहाँ पीठ पे आया, पकड़ के हपोक लिया, और दूसरा बार है कि हम उतरने लगे छटपटा के चिल्ला के, तो पीछे बाटे से सीढ़ी पे भाई पैर में हपक लिया, बस इतनी ही बात है। तो पूरा ब्लड निकलने लगा, पूरा भींग गया, लास्ट में फिर केमोरिया है बगल में है हॉस्पिटल, वहीं पर गए तो वो तुरंत साफ सुथरा करने लगा, हमने पट्टी पट्टी देने लगा। यहाँ पे जो हुआ है 5-6 जन के हुआ, कल भी हमला हुआ, एक जन और आया था। कितना दिन से कर रहा है बंदर इस टाइप का? ये तो
यहाँ तो गुरुवार से कर रहा है, गुरुवार से शाम में हमले साथ हमला हुआ है शाम में, इसके बाद फिर प्रोफेसर साहब को हुआ, हमारे बाद प्रोफेसर साहब को हुआ। ट्यूशन में थे सर, बंदर आया अचानक से मेरे ऊपर आ गया, पता नहीं था कि बंदर ने नोच दिया। कितने लोगों काटा है जानकारी? ट्यूशन में भी काटा है बहुत लोग को, पता नहीं काटा था तो वहां से चल गया। फिर रविवार को आम आदमी पार्टी ने लकड़ी गोला उकरीद मोड़ के पास सदस्यता अभियान चलाया। इस मौके पर करीब 1.5 दर्जन नए लोग पार्टी की सदस्यता ली। कार्यक्रम में जिला संयोजक अखिल महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिंदर नाथ चौबे, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कुमार राकेश और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। निकलो बाहर मकानों से, भ्रष्टाचार का एक ही काम, केजरीवाल केजरीवाल। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जाग गया भाई जाग गया, आम आदमी जाग गया। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। एमडीएम और समग्र शिक्षा के लिए केंद्र ने दिए 369 करोड़ रुपए। गोमिया में फुटबॉल मैच खेल रहे एक युवक की वज्रपात से मौत। चंदन क्यारी में पीएम पर लिखी गई पुस्तक मोदी @20 ड्रेन स्मिथ डिलीवरी पर हुआ सेमिनार आयोजित। चंदन क्यारी में बैंक प्रबंधक पर ऋण वितरण में लापरवाही का लगाया आरोप। कसमार के युवक की हैदराबाद में मौत। चंद्रपुरा में आपस में भिड़े दो परिवार, 6 घायल। दुगदा में बाइक से गिरने पर पूर्व उप मुखिया की मौत। बेरबो में कक्षा 6 की छात्रा ने लगाई फांसी, मां से 2000 रुपए मांगे थे। बोकारो में सेक्टर 4 में 2 मंदिर के दान पेटी से चोरी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को लेकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।